एक इंची की प्लाई के अंदर पूरा का पूरा कैबिनेट बनवाया गया। और अंदर जगह देखोगे ना दोस्तों, लट गाड़ दिया ना, उठेगा नहीं अच्छे अच्छे पे। आपका जब बेस बजेगा ना तो बाहर गांव वाला आएगा पूछने के लिए, भैया बज कहाँ रहा था, कौन सा बेस था। तो अगर बेस की कलेस काटनी है, सभी लाडले भाइयों को राम राम। लाडलो आज आपको दिखाऊंगा, कते हटो बच्चो, आ जाओ अंदर, कुछ चीज़ आपको दिखानी है दोस्तों। मैं दिखाने आया हूँ आज आपको बेस, और बेस भी ऐसी वैसी नहीं, ये बेसों में बेस का पापा है। ऐसा छापा मारता आदमी पे, चलेगा यहाँ और थप्पड़ मारेगा बहुत दूर जाके, कंपटीशन के अंदर, रोड शो के अंदर, और सबसे ज़्यादा लाइव के अंदर जो कैबिनेट यूज़ किया जाता है, आपका फ्रंट बेस यूज़ किया जाता है दोस्तों। इस वाले बेस का जो मज़ा है ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले इसका मज़ा है ना, वो इसकी जाली से देखो, बिल्कुल फ्लैट जाली, चार बेस लगा दिए ना तो मतलब कतई धुआं सा उठा देंगे। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो कैबिनेट हमारा बना हुआ है ना, अगर इसकी मोटाई आप देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्लाई की, बात की जाती है ना 2000 वाट का स्पीकर, 1500 वाट का स्पीकर, 1800 वाट का स्पीकर, इंडिया के अंदर जितने भी स्पीकर अवेलेबल है ना, और जितने भी हाईएस्ट वोल्टेज के स्पीकर अवेलेबल हैं, एक इंची की प्लाई के अंदर पूरा का पूरा कैबिनेट बनवाया गया। और अंदर जगह देखोगे ना दोस्तों, अंदर खाट डाल के सोने की जगह मैं तो अंदर पूरा का पूरा ही चला गया। और एक चीज़ और दिखा दो दोस्तों, भाई ये तो देखो सच्चाई है, हाथ देखो ये जा रहा, ये जा रहा, मतलब इसकी गहराई इससे ज़्यादा तो नहीं दिखाई जा सकती भाई। और ये ओरिजिनल साइज़ है, इसे कहते हैं ओरिजिनल साइज़, या फिर कहीं और मिलते हैं, उस चोर साइज़ वाली चीज़ नहीं है, पूरी साइज़ है। डिमांड करो जहाँ लेने जाओ कि भैया साइज़ पूरा दे दो, ये साइज़ लेना भाई, आपके भाई की हाइट के हिसाब से उसके हाथ की लंबाई आप देख लेना और साइज ये। तो दोस्तों मेरे हाथ को आप देख लो ना, आपके मेरा हाथ इतना है, अगर आप देख सकते हो ना इतना हाथ है, ठीक है। तो जब आप नापो ना अपने हाथ से लंबाई नापो, इतना लंबा होना चाहिए। आइए आप पास से आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये पेंट है, ये पेंट की क्वालिटी है, नॉन स्क्रेचेबल है। लास्ट वीडियो देख लीजिए, खुरचना है कुछ भी करना है लास्ट वीडियो देख लीजिए दोस्तों। ये वही प्लाई दोस्तों, ये प्लाई इसकी मोटाई आप देखें, कटाक की आवाज़ होनी चाहिए दोस्तों। कैबिनेट आप कोई भी लें, आप उस पर हाथ मार लें, कटाक की आवाज़ होनी चाहिए ज़बरदस्त वाली। और इसका थ्रो जब आपको पड़ेगा ना, पंच जिसे कहा जाता पंच, ये पंच वाली कैबिनेट है दोस्तों, बेस की पंच वाली कैबिनेट कह सकते हैं आप इसे। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. दोस्तों यहाँ बात आती है कि ये जो कैबिनेट है ना, आपको 18 इंच के साइज में, 21 इंच के साइज में मिल जाएगी, और ओरिजिनल साइज के साथ। कोई भी इसके अंदर कटिंग वाला साइज या छोटा साइज हमारे पास तो कम से कम, अगर आप कहते हैं कि ओरिजिनल साइज़ तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल साइज़ मिलता है। चाहते हैं ओरिजिनल साइज़ तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल साइज़ दिया जाएगा, 21 इंची में, 18 इंची में बिल्कुल दिया जाएगा। और अगर आपका बेस आप चाहते हैं कि बजे यहाँ और सुनाई जाए बहुत दूर जाके सुनाई दे, कहते हैं ना थ्रो बेस, हमेशा दोस्तों फील किया जाता है पास से, मगर ये बिल्कुल उल्टा है उसके लिए। इसका जो फ्रंट पे मारता है बेस, खुल के मारता है दोस्तों, तुम्हारा भाई देता ताल ठोक के आइटम। और आइटम बेशक एक की 125 की हो, मत चीज़ ऐसी हो जब लट गाड़ दिया ना, उठेगा नहीं अच्छे अच्छे पे। आपका जब बेस बजेगा ना तो बाहर गांव वाला आएगा पूछने के लिए, भैया बज कहाँ रहा था, कौन सा बेस था। तो अगर बेस की कलेस काटनी है तो भैया ये रहा आपका फ्रंट बेस, ये रही इसकी ग्रिल, और ग्रिल मैंने इसकी लूज खोली थी वो, तो ये रही ग्रिल 16 गेज की। और यही सेम बेस आपको टेपर में भी मिलता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अगर हो सकता है तो टेपर वाली बेस की दिखाऊंगा। एक्चुअल में ये हमारा बेस जो है निकल रहा था, और निकलते निकलते भागते भूत की लंगोटी लेके आपके लिए आ गया, क्योंकि ये दोस्तों जो सीज़न चल रहा है, फेस्टिवल सीज़न है, आप लोग जा सकते हैं, पटना के पास में ही है। अगर आप लोग उनका साउंड देखना चाहते हैं तो उनका एक्सपीरियंस लगभग 20 साल का है, उनको हम अपना सारा का सारा साउंड दे रहे हैं, और वो लाइव के प्रोग्राम ज़्यादातर करते हैं। हमारे शंकर भाई हैं शंकर साउंड से, तो शंकर भाई आपका बेस जैसा कहा था वैसा फ्रंट वाला आपकी पसंद का तैयार है और आप तक आने वाला है।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे।